आपके घर में भी तो पेपर आते होंगे, आप भी रद्दी समझ के इसको फेंक देते हैं या रद्दी वाले को दे देते हैं, लेकिन नहीं, मैं आज इसका ऐसा उपयोग बताऊंगी, रद्दी वाले को नहीं दे करके हम ये इतने ढेर सारे न्यूज़पेपर अपने फ्रिज में रखेंगे। आज हम सारे न्यूज़पेपरों को इकट्ठा करके और फ्रिज में भर देंगे। तो आज मैं आपको एक ऐसी वीडियो बताऊंगी कि आप भी मेरी तरह, फिर मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी कि आज के बाद आप इस पेपर को रद्दी में नहीं फेंकेंगे ना रद्दी वाले को देंगे, मेरी तरह आप भी फ्रिज के अंदर रखेंगे। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना देरी के। कई बार क्या होता है, फ्रिज में हम कुछ सामान बिना कवर के रख देते हैं, या कई बार हम कटा हुआ प्याज या लहसुन वगैरह भी बिना कवर के हम रख देते हैं तो उसमें हो जाती है स्मेल। वैसे तो फ्रिज हमारा साफ़ सुथरा होता है, जो डेली हम साफ़ सुथरा करते हैं, लेकिन जो अजीब सी स्मेल हो जाती है या किसी चीज़ की गिर, कभी कभार कुछ चीज़ गिर जाती है और उसको अच्छे से क्लीन करने के बाद भी उसमें स्मेल रह जाती है, तो उसके लिए आज मैं आपको न्यूज़पेपर की ट्रिक बताने वाली हूँ। हमें अपना न्यूज़पेपर लेना है, इसके दो टुकड़े हमें कर लेने हैं। मैंने दो टुकड़े ले लिए हैं, इसको हम इस तरह से बॉल की तरह इसको इकट्ठा कर लेंगे। ये देखिए दोनों टुकड़ों को। अब हमें लेना है एक बर्तन और उसमें एक से डेढ़ गिलास हमें इसमें पानी डालना है। पानी डालने के बाद हमें डालना है इसमें मीठा सोडा, जो हम खाने में यूज करते हैं। एक चम्मच इस पानी में हम डाल देंगे मीठा सोडा और इसको मिला देंगे। अब जो हमने ये न्यूज़पेपर की बोल बनाई है इसको हम इसमें भिगो लेंगे इस तरह से। थोड़ा सा पानी इस तरह से हम निचोड़ देंगे और एक प्लेट में रख लेंगे। दूसरी बोल को भी हम इसी तरह से डिप करेंगे, देखिए इस तरह से। जो बोल हमने ये तैयार की है अब हम इसको रख देंगे फ्रिज के अंदर, ये देखिए, और फ्रिज को कर देंगे एक से दो घंटे के लिए हम बंद, इसको खोलेंगे नहीं। और एक दो घंटे में आप देखिएगा इसकी जितनी भी स्मेल थी, जितनी बैड स्मेल थी, वो सारी ख़त्म हो चुकी होगी। है ना कितनी बढ़िया ट्रिक न्यूज़पेपर की। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। ट्रिक नंबर दो है, देखिए हम बाज़ार में जाते हैं तो आजकल हरी भरी सब्जियां बहुत सारी आती हैं, खासकर इसमें धनिया, मेथी, पालक, जो भी हम लाते हैं वो हम एक्स्ट्रा ही ला करके आते हैं। अब हमें करना क्या है, घर में जो सब्जी लाते हैं उसको पहले अच्छे से वॉश करना है, मिट्टी वगैरह निकालना है, और धनिया हो या मेथी, पुदीना, जो भी एक्स्ट्रा हम लेकर के आए हैं, इस तरह से हम एक न्यूज़पेपर लेंगे और इस तरह से इसमें रैप कर देंगे और इसको अच्छे से फोल्ड करके इसको हम रख देंगे फ्रिज में। अब हम जब भी खाना बनाएंगे तब निकालेंगे, ये हरा रहेगा, न पीला पड़ेगा, न मुरझाएगा और ये तरोताज़ा बना रहेगा। ट्रिक नंबर थ्री है हमारी, देखिए धनिया को लेकर के, या मेथी हो या पुदीना हो या मीठी नीम हो, तो हम साल भर के लिए स्टोर करते हैं, तो उसके लिए ये ट्रिक है। हम धनिया हो, मेथी, जो भी आप स्टोर करना चाहते हैं, उसको हम धुल करके बारीक कट कर लेंगे और एक पेपर लेंगे, इस तरह से इसको रखेंगे और डबल फोल्ड कर देंगे पेपर को। और इससे होगा ये कि इससे जल्दी सूख जाएगा हमारा जो भी मेथी या धनिया, और इसको हम रखेंगे फ्रिज में ही। इस पेपर को ही दो से तीन बार रैप करेंगे, अच्छे से इसको फोल्ड कर देंगे और इसको इसी तरह फ्रिज में उठा के रख देंगे। जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम निकाल करके खाने में इसको यूज कर सकते हैं और एकदम हरा भरा रहेगा। ट्रिक नंबर फोर है, ये वाली ट्रिक है मेरी खाने को लेकर के। वैसे तो हमें खाना उतना ही लेना चाहिए थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में, फिर भी किसी कारणवश बड़े हों या बच्चे हों कभी कभार खाना छोड़ देते हैं और उस खाने को फेंकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर हम वही खाने की प्लेट या थाली सिंक में रख देते हैं तो इस तरह से हमारी सारी सिंक जाम हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। तो अब हमें करना क्या है, एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा लेंगे और खाना जो भी बचा उसको इस तरह से समेटेंगे और इसको हम डाल देंगे डस्टबिन में। इससे ये होगा हमारा बर्तन भी साफ़ हो जाएगा और हमें धुलने में भी आराम रहेगा और हमारी सिंक भी ब्लॉक नहीं होगी। ट्रिक नंबर पाँच है हमारी हरी मिर्च और लहसुन को लेकर के। जब भी हम एक्स्ट्रा हरी मिर्च लेकर के आते हैं तो वो जल्दी से सूख जाती हैं, तो हमें इसका डंठल तोड़ लेना है और लहसुन अगर छिला हुआ एक्स्ट्रा है तो हम इस तरह से न्यूज़पेपर में इसको कवर करेंगे और एक बर्तन में न्यूज़पेपर लगाएंगे और हरी मिर्च भी रख देंगे, साथ में लहसुन भी रख देंगे और इस बर्तन को हम कवर करके
फ्रिज में रख देंगे और जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हमें एक साथ लहसुन भी और हरी मिर्च भी हमारी ताज़ा मिलती रहेंगी और ये सूखेंगी भी नहीं। ट्रिक नंबर 6, अब बारी आती है हमारे घर के बाथरूम की, जिसकी साफ़ सफाई बेहद ज़रूरी होती है और हम डेली इसको साफ़ सुथरा रखते भी हैं। कई बार क्या होता है कि नहाने के बाद बाल वगैरह झड़ते हैं या कोई और गंदगी है इकट्ठी हो जाती है जाली में, अगर हम इसको नहीं निकालेंगे तो ये पाइप को ब्लॉक कर देगी। पाइप ब्लॉक हो जाएगा तो हमें प्लम्बर को बुलाना पड़ेगा, इसमें हमारे समय और पैसा दोनों बर्बाद होंगे और इससे हमें परेशानी भी बहुत होगी। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे लेना है एक न्यूज़पेपर और ये सारी गंदगी इस न्यूज़पेपर की मदद से उठा लेंगे और ये बड़ी आसानी से इससे उठ भी जाएगी और इसको इकट्ठा करके हम डाल देंगे डस्टबिन में। तो देखिए कितने काम की ट्रिक है ना, ये हमारे पैसा भी बचाती है और टाइम भी। अब एक और सबसे ज़रूरी ट्रिक, देखिए हमारी साफ़ सफाई हो गई है, डस्टिंग वगैरह हो गई है, टेबल हमने साफ़ कर लिया है और हमने चाय का कप बनाया और ला करके इस टेबल पे रख दिया। अब होगा क्या, दाग, टेबल पे दाग हो गया है, अब इसको साफ़ करना पड़ेगा, अब दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा हम न्यूज़पेपर टेबल के ऊपर रखें और कप को इसके ऊपर रखें, चाहे पानी का गिलास हो चाहे खाने की थाली हो, इस तरह से यूज। तो कैसी लगी आपको आज की मेरी ये न्यूज़पेपर से ट्रिक? अगर आपके लिए कोई भी यूजफुल हो और आपको कोई भी ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही मिलती रहूँगी मैं आपको नई नई ट्रिक और आइडियाज़ के साथ। अब मैं वीडियो को यहीं पर ख़त्म करती हूँ, मिलूँगी मैं आप सबको एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।